और इस वक्त राजघाट से जो तस्वीर आ रही है आनंद, पहले अपने दर्शकों को वो दिखा देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बेहद खास है तस्वीरें। इससे पहले ऋषि सुनक क्योंकि अक्षरधाम मंदिर गए, वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया, जल अभिषेक किया और उसके बाद वो सीधा राजघाट के लिए रवाना हुए। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे, रिसीव करेंगे उनको। जो खादी की शॉल है, बेहद स्पेशल ये शॉल है अनुराग, और ये देखिए ये तस्वीर भी उतनी खास है। अब बहुत इंटरेस्टिंग प्रीति, जब आप कह रही थी तो एक तस्वीर जो नोटिस की मैंने, सारे जो मेहमान आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करें, ऋषि सुनक जब आगे बढ़ते रहे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ तो हाथ जोड़ लिया हूं, तो ये भारतीय संस्कृति को बताता है। और मुझे लगता है कि अनंत इस पर और अच्छा डिस्क्राइब कर पाएंगे। अनंत, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ये कहने से कभी कतराते नहीं है कि मैं जय श्री राम बोलता हूं, लेकिन इनकी ख्याति बहुत है दुनिया में और ब्रिटिश मूल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत की तरफ इनका झुकाव रहा है, जो कि तस्वीरों में हमने बार बार देखा जब वो G20 समिट के लिए भारत आए। बिल्कुल अनुराग, देखिए उनका सनातन की तरफ उनका झुकाव होना, सनातन का उनको उनका मानना, क्योंकि ये हम वैश्विक पटल पर और ग्लोबल डिप्लोमेसी के दौरान बहुत कम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या इस कद का नेता अपने धर्म को लेकर के मुखर होने की बात करता हो। हालांकि इस बात को लेकर के अलग अलग मत भी हैं कि कोई कुछ लोगों का मानना है कि ऋषि सुनक को पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, बेहतर परसेप्शन बनता है उनका जो वहां पर NRIs रहते हैं या भारत के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो मानता है कि ऋषि सुनक का ये कहना सनातन को लेकर के बात करना बाकी में बहुत बेहतर है। और इसी चीज को लेकर के जो उनकी एक इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है अनुराग, उसी की मैं बात करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने 3 फोटो पोस्ट किए हैं। पहली फोटो में ऋषि सुनक और पीएम मोदी जो हैं आपस में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी फोटो में गले मिलते हुए, तीसरी फोटो में मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ थामे। उसके नीचे का जो कैप्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि दिखाता है कि ऋषि सुनक के साथ जो एक जो बेहतर केमिस्ट्री स्थापित होने की बात की जा रही है वो किस हद तक पहुंची है। वो कहते हैं कि दो देश एक महत्वाकांक्षा, ये उसका हेडर है, यानी कि दो देश अलग हैं लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो दोनों देशों का है, आगे का जो विजन है वो एक है, ये ऋषि सुनक स्वीकार कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में। वो कहते हैं महत्वाकांक्षा जो हमारे साझा मूल्यों, दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों और निश्चित रूप से क्रिकेट के प्रति हमारे जुनून में समाहित रहती है। तो लाइटर नोट के साथ साथ ऋषि सुनक ने यह साफ कर दिया कि जो मोटिव है G20 का, या जो मोटिव है दोनों देशों की बायलेटरल मीटिंग का, एक साथ आने का, एक मंच पर आने का, वो मोटिव कम से कम एक है। अगर मोटिव कोई दोनों देश एक मानकर चलते हैं तो ये बात बहुत सहजता से समझ में आ सकते हैं अनुराग, कि उसी मोटिव को पाने के लिए दोनों देश अपना पूरा प्रयत्न करते हैं और करेंगे, ताकि उद्देश्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। और यही ऋषि सुनक के साथ जो अब हाल ही दिनों में देखने को मिल भी रहा है।